उसको तार तार किया गया। पीढ़ियां बदल गई, रिश्ते बदल गए, लेकिन अगर हम अपने बुजुर्गों से आज भी पूछें, मेरे किसी बुजुर्ग की बहन आज भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको हम मुजफ्फराबाद कहते हैं, वहां पे रह गई भाई सरहद के इस पार और बहन सरहद के उस पार, बाप सरहद के उस पार, मां सरहद के इस पार, एक दर्द भरी कहानी है। हमारी एक बदकिस्मती है, इस कौम की बदकिस्मती है, मेरे नौजवानों की बदकिस्मती है कि हम हिस्ट्री को कभी पढ़ते ही नहीं है। हमारी दर्द भरी कहानी है। हमारे बुजुर्गों ने किन हालात, किन मुश्किलात का मुकाबला किया, उन दर्द भरी कहानियों में जो दुनिया की हिस्ट्री में गिने जाते हैं, एक बदतरीन दिन 22 अक्टूबर भी है जिसको हम ब्लैक डे के तौर पे मनाते हैं। लेकिन अल्लाह का करम है, हालात के बदलने के साथ साथ कश्मीरी नौजवान ने भी अपने आप को बदल डाला। 2022 में मेरे कश्मीरी नौजवान ने कश्मीर को नहीं, गुलमर्ग को नहीं, बल्कि हिंदुस्तान को आलम एक लेवल पर रिप्रेजेंट किया। आज जब पूरे दुनिया में सर्वे आता है सत्य का, तो मेरा